नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। और आज के खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। नागपुर में ऑक्सीजन की कमी से हुई 4 कोरोना मरीजों की मौत, परिजनों ने अस्पताल परिसर में किया हंगामा। मुंबई के नाला सोपारा में भी ऑक्सीजन की कमी से 7 मरीजों की मौत होने का दावा, अस्पताल प्रशासन ने ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत होने से किया इनकार। और नागपुर में एक ही दिन में 65 कोरोना बाधितों की मौत। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर जिले के कन्हान कांद्री स्थित जवाहरलाल नेहरू केंद्रीय चिकित्सालय के कोविड सेंटर में ऑक्सीजन समाप्त होने से 4 मरीजों की मौत होने की खबर आ रही है। इस हादसे पर अस्पताल प्रशासन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार मानते हुए हंगामा किया। रोजाना बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिलने के दौर में शहर के सरकारी अस्पतालों में जहां बेड कम पड़ रहे हैं, वहीं अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों के लिए आवश्यक समझी जाने वाली ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। जिला प्रशासन की ओर से रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति अस्पतालों को करने के लिए युद्ध स्तर पर किए जा रहे प्रयासों के बीच नागपुर जिले के कन्हान कांद्री स्थित जवाहरलाल नेहरू केंद्रीय चिकित्सालय के कोविड सेंटर में ऑक्सीजन समाप्त होने से 4 मरीजों की मौत हो गई। बता दें कि 2 दिन पूर्व ही ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों के लिए इस कोविड सेंटर का उद्घाटन किया था। इस सेंटर में गंभीर हालत में कई मरीजों को भर्ती किया गया है। इसी बीच ऑक्सीजन समाप्त हो जाने से उनकी हालत बिगड़ी और उन्होंने दम तोड़ दिया। इस हादसे पर अस्पताल प्रशासन ने कुछ भी कहने से इनकार किया है, जबकि इन मरीजों के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार मानते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया। मुंबई के नाला सोपारा में भी एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 7 मरीजों की मौत होने की जानकारी सामने आई है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों की मौत होने के दावे को सिरे से नाकार दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना के तीव्र संक्रमण के कारण मरीजों की बड़ी संख्या में मौतें सामने आ रही है। एक और जहां कोरोना नागरिकों की जान के लिए आफत बना हुआ है, वहीं अस्पतालों में बढ़ती लापरवाही भी मरीजों की मौत का कारण बन रही है। मुंबई के नाला सोपारा स्थित एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 7 मरीजों की मौत होने की जानकारी सामने आई है। लापरवाही के कारण मरीजों की मौत होने के बाद गुस्साए परिजनों ने खूब हंगामा किया। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने ऑक्सीजन की कमी से मौत के दावे को खारिज कर दिया है। अस्पताल के एक डॉक्टर का कहना है कि इस अस्पताल में गंभीर रोग से पीड़ित मरीजों को एडमिट किया जाता है। जिन लोगों की मौत हुई है, उन्होंने अधिक उम्र होने के कारण दम तोड़ा है अथवा वे किसी और बीमारी से पीड़ित थे। नागपुर में मंगलवार को कोरोना से संक्रमित 65 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 29,000 से अधिक टेस्टिंग के दौरान 6,826 नए पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। शहर में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 61,000 के पार हो गई है। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजालाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना का साया चैत्र नवरात्र उत्सव के आयोजन पर भी नजर आया है। नवरात्रि के पहले दिन देवी मंदिरों में सन्नाटा छाया रहा। केवल पुजारियों ने ही पूजा अर्चना कर औपचारिकताएं पूर्ण की। शहर के प्रख्यात आगाराम देवी मंदिर में इस बार मनोकामना ज्योति नहीं जल पाई। हिंदू नववर्ष गुड़ी पाड़वा के साथ ही चैत्र नवरात्र का आरंभ होता है। प्रतिवर्ष नवरात्रि के दौरान देवी मंदिरों में नवरात्र उत्सव के दौरान भारी भीड़ उमड़ती है,
लेकिन नागपुर में कोरोना की तीव्र लहर होने के कारण राज्य शासन के निर्देश पर सभी धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया है। इस कारण नागपुर के तमाम देवी मंदिरों में चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन सन्नाटा नजर आया। गांधी सागर तालाब के समीप स्थित प्रसिद्ध आगराम देवी मंदिर में कभी हजारों की संख्या में मनोकामना ज्योति प्रज्वलित होती थी, लेकिन अब यहाँ सामूहिक रूप से केवल एक ज्योति का प्रज्वलन किया गया है। आज प्रातः मंदिर के पुजारियों ने विधि विधान के साथ देवी पूजन किया और ज्योति प्रज्वलित की। मंदिर में जहाँ हजारों की संख्या में दीप जलते थे, उस कक्ष पर ताला लगा हुआ है। कुछ ऐसी ही स्थिति शहर के अन्य देवी मंदिरों में भी है। यहाँ भी पुजारियों महंतों ने पूजा अर्चना कर नवरात्र उत्सव की प्रतीकात्मक शुरुआत की है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगने की प्रबल आशंका के चलते बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय परिवार ट्रेनों से अपने मूल प्रदेश लौट रहे हैं। कुर्ला के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर उत्तर भारतीयों की इतनी भीड़ उमड़ रही है कि पुलिस को भीड़ पर काबू पाने के लिए बल प्रयोग तक करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार के बीच अब नागरिकों की जुबान पर एक ही सवाल है कि महाराष्ट्र में सख्त लॉकडाउन कब लगेगा। इसके स्पष्ट संकेत तो अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन मुंबई से अपने घरों को लौट रहे परप्रांतियों की कुर्ला के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर उमड़ रही भीड़ इसका संकेत दे रही है कि महाराष्ट्र का तो पता नहीं, लेकिन मुंबई पर सख्त लॉकडाउन का साया जरूर मंडरा रहा है। यही कारण है कि मुंबई से उत्तर भारत की ओर जाने वालों की तादाद बहुत अधिक है। यहाँ से उत्तर भारत की ओर जाने के लिए अधिकतर ट्रेनें कुर्ला के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से ही बनती है। स्टेशन पर इतनी अधिक भीड़ उमड़ रही है कि पुलिस को भीड़ पर नियंत्रण पाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ रहा है। बिना टिकट है रेल एरिया से बाहर चले जाएं। यात्री का ध्यान दें, जितने भी पैसेंजर बिना टिकट है रेल परिसर से बाहर चले जाएं। मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख ने कोरोना की दूसरी लहर के कारण उत्पन्न स्थिति पर कहा कि पिछली बार जब केंद्र सरकार ने अचानक लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी तो उससे प्रवासी मजदूरों का बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ था। इस बार वह नौबत नहीं आए, इसलिए हम सभी से बात कर रहे हैं। कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए एक कठोर कदम की जरूरत है जो कुछ ही घंटों में उठाए जा सकते हैं। दो हफ्ते से जो है सरकार बहुत सारी बैठक ली, विरोधी पक्ष के साथ ली, सारे व्यापारियों के साथ ली, सारे जो एसोसिएशन है उनके साथ ली, सारे जो डॉक्टर्स के एक्सपर्टाइज है उनके साथ ली, और ये अलग अलग तरीके से हमने जो है प्रतिबंध इस राज्य में लाने का शुरू किया, मुंबई शहर में लाने का शुरू किया, लेकिन कहीं भी ये चेन जो है टूटते दिखाई नहीं दे रही है और लोगों की जो है संख्या पेशेंट्स की बढ़ते जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये चेन टूटना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सरकार जो है अब ये कुछ ही घंटों में मैं कह सकता हूँ कि एक कड़क जो है ब्रेक द चेन करके कुछ नई कड़क एसओपी लाएगी जिससे जो है महाराष्ट्र और मुंबई में लोगों को उसका पालन करना होगा। बंजारा समाज की काशी कहे जाने वाले श्री क्षेत्र पोहरा देवी में प्रशासन ने रामनवमी यात्रा रद्द करने की घोषणा की है। यह यात्रा 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक आयोजित की जाती है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ते हैं। बंजारा समाज की काशी के रूप में प्रसिद्ध श्री क्षेत्र पोहरा देवी में पूर्व मंत्री संजय राठौर ने पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरण को लेकर शक्ति प्रदर्शन किया था। इस समय हजारों की संख्या एकत्र हुई। बंजारा समाज की भीड़ के कारण कोरोना संबंधी नियम हवा में उड़ता हुआ नजर आया था। तब से जिला प्रशासन अत्यंत सतर्क हो गया है। अब नवरात्र उत्सव के दौरान पोहरा देवी में 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक लगने वाली यात्रा कोरोना के संक्रमण के चलते रद्द कर दी गई है। तब भी यहाँ भीड़ बढ़ाने की संभावना के चलते जिलाधिकारी से यहाँ कर्फ्यू लगाने की मांग की है। बंजारा समाज के लोगों की यहाँ भारी भीड़ उमड़ने की आशंका के चलते एहतियात के तौर पर कड़ा बंदोबस्त लगाया गया है। जिले के आसपास की सीमाएं भी सील कर दिए जाने की जानकारी एक पत्र परिषद में जिला पुलिस अधीक्षक वसंत परदेशी ने दी है। या संदर्भात परवाच मीटिंग झाली आहे सर्व महाराज मंडळींची आणि आमची, आणि त्यांनी स्पष्ट सांगितलेलं की यात्रा रद्द आहे। माननीय कलेक्टर साहेब त्यासंदर्भात आदेश आता आज काढणार आहेत आणि त्यामुळे कोणीही त्या ठिकाणी येऊ नये। यात्रा बंद आहे, दर्शन बंद आहे, त्या ठिकाणी आम्ही कर्फ्यू देखील लावणार आहोत जेणेकरून त्या ठिकाणी कोणीच तिथं यायची संधी राहणार नाही आहे। आपल्याला पायीसुद्धा तिथं येता येणार नाही, म्हणजे गाड्या नाही तर पायी असा प्रकार चालणार नाही। तेव्हा सर्व नागरिकांना आवाहन करतो की आपली जी यात्रा आहे रामनवमीची जी यात्रा आहे
पोहरादेवी जी त्यांनी आपल्या घरीच करावी, त्याप्रमाणे महाराज मंडळी देखील आवाहन केलेलं आहे, आपण ते पालन करावं, प्रशासनास सहकार्य करावं। वर्ष 2014 में आई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मराठी फिल्म कोर्ट में नारायण कांबले नामक एक्टिविस्ट का किरदार निभाने वाले वीरा साथीदार की कोरोना संक्रमित होने के बाद मृत्यु हो गई। उन्हें नागपुर के एम्स अस्पताल में 2 दिन पूर्व ही भर्ती कराया गया था, जहां मंगलवार को सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। वाशिम जिले में रक्त की भारी कमी को देखते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर मालेगांव तहसील राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इसमें कोरोना नियमों का पालन कर अनेक युवाओं ने रक्तदान किया। वाशिम जिले में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसी स्थिति के बीच जिले में रक्त की भारी कमी निर्माण हुई है। इस कारण स्वास्थ्य विभाग ने युवाओं से रक्तदान करने का आह्वान किया है। इस आह्वान को प्रतिसाद देते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर मालेगांव तहसील राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कोरोना नियमों का पालन कर अनेक युवाओं ने रक्तदान किया। इस रक्तदान के माध्यम से एकत्र हुआ रक्त जिला सामान्य अस्पताल को दिया जाएगा। आज राष्ट्रीय युवक कांग्रेस शाखा मालेगाव यांच्या वतीने महात्मा ज्योतिबा फुले यांची आज जयंती आहे, त्यानिमित्ताने आज मालेगाव या ठिकाणी भव्य रक्तदान शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे। राज्यामध्ये सध्या कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे मोठ्या प्रमाणात रक्ताचा तुटवडा पडलेला आहे आणि युवकांनी पुढाकार घेऊन जयंतीनिमित्त या ठिकाणी रक्तदान शिबिर यशस्वीपणे पार पडलेलं आहे। आतापर्यंत जवळपास 30 ते 35 रक्तदात्यांनी या ठिकाणी रक्तदान केलेलं आहे आणि अजून पण 10-20 रक्तदाते या ठिकाणी होतील अशी अपेक्षा आहे। आणि वाशिम जिल्ह्यातील इतर युवक मंडळ संस्था यांना मी असं आवाहन करतो की आपण सुद्धा पुढाकार घ्यावा व शासकीय रक्तपेढीला रक्तदान शिबिराचं आयोजन करून रक्तसंकलन करण्यास मदत करावी। वाशिम में समाजसेवी संगठनों के सहयोग से कोरोना और टीकाकरण के प्रति जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्घाटन जिलाधिकारी एस षणमुगराजन के हाथों किया गया। वाशिम में सामाजिक संगठनों की पहल पर शहर सहित संपूर्ण जिले में डिजिटल वैन के माध्यम से स्क्रीन पर कोरोना से बचाव के लिए शासन के दिशा निर्देशों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही वैक्सीनेशन के पात्र परिवार के सभी लोगों का वैक्सीनेशन करने का आह्वान भी नागरिकों से किया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से निश्चित तौर पर जन जागृति लाकर हम कोरोना को पराजित कर सकेंगे, ऐसा विश्वास व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर हरीश बाहेती व नीलेश सोमानी के कार्य की प्रशंसा की है। महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल को कामठी के विश्व विख्यात ड्रैगन पैलेस टेम्पल परिसर में स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर एडवोकेट सुलेखा ताई कुंबारे के हाथों माल्यार्पण किया जाएगा। इससे पूर्व पूज्य भिक्षु संघ की उपस्थिति में बुद्ध वंदना होगी। वर्तमान कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए जयंती अत्यंत सादगी के साथ मनाने का आह्वान एडवोकेट कुंभारे ने किया है। इसी प्रकार पवित्र दीक्षा भूमि पर भी कोरोना संबंधी नियमों का पालन करते हुए सादगी के साथ जयंती कार्यक्रम आयोजित किए जाने की जानकारी सचिव डॉक्टर फुलजेले ने दी है। राज्य सरकार के निर्देश पर व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान तो बंद कर रखे हैं, लेकिन कुछ लालची किस्म के व्यापारी अपने व्यापारिक लाभ के लिए किस तरह लोगों के प्राण संकट में डालने पर उतारू है, इसका जीता जागता उदाहरण गांधी बाग में सामने आया। जब मनपा ने बंद दुकान के पिछले दरवाजे से हो रहे व्यवसाय पर छापा मारा तो वहां 42 से भी अधिक ग्राहक पाए गए। लॉकडाउन में शहर के तमाम दुकानें बंद करने का आदेश मनपा आयुक्त ने दिया है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा दिए गए आदेशों का उल्लंघन किस प्रकार किया जा रहा है, यह भी किसी हैरत से कम नहीं है। मामला नागपुर का है, जहां बाहर से दुकानें तो बंद दिख रही है, शटर के बाहर ताले भी लगे हुए हैं, लेकिन पिछले दरवाजे से ग्राहकी हो रही है। यह नजारा आज दोपहर को गांधीबाग में उस समय सामने आया जब महानगर पालिका जोन कार्यालय के डीएनए के दस्ते ने सहायक आयुक्त अशोक पाटिल के नेतृत्व में 4 मंजिला इमारत में चल रही कपड़े की दुकान पर छापामार कार्रवाई की। जब शटर के ताले खुलवाकर मनपा की टीम ने भीतर प्रवेश किया तो वह 8 से 10 नहीं बल्कि करीब 42 से ज्यादा ग्राहक पाए गए। मनपा ने इस दुकानदार से जुर्माना जरूर वसूला, लेकिन इस तरह की लालची व्यापारिक प्रवृत्ति के कारण कितने लोगों के प्राण संकट में पड़ जाएंगे, यह दुकानदार ने सोचा ही नहीं। बता दें कि गांधीबाग में नंगा पुतला परिसर इस वक्त हॉटस्पॉट घोषित किया गया है और वह स्पॉट इस दुकान से चंद कदमों की दूरी पर है। तो खबरों के सफर में आज इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।